हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं बता दीजिएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं फटाफट फटाफट अपना काम कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग का काम है और जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो ये लास्ट काम है मेरा और बर्तन क्लीन करने का। पूरा खाना बन चुका है, पूरा झाड़ू पोछा सब हो चुका है, बस मेरा नहाना नहीं हुआ है। मैं नहाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाऊँगी वो वीडियो देख के पता चलेगा आप लोग को। तो आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन रहता है उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और मेरा हाउ टू मेक बाय गायत्री रेसिपी का चैनल है, उसको भी वॉच करिएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में लास्ट तक। तो यहाँ पर मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा बेडशीट सही करा है मैंने और उसके बाद मैं तैयार हो रही हूँ। नहाई नहीं हूँ, आके नहाऊँगी क्योंकि बाहर जाने के बाद आके नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता ही है अभी बाहर जाना भी ज़्यादा मतलब निकलना अच्छा नहीं है। तो बस ये बहुत ज़रूरी काम है, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और ये रिक्वेस्ट है सभी का कि हैंड ग्लव्स पहनूँ। मैं वीडियोज़ में हमेशा ही हैंड ग्लव्स पहनूँ लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे इतना गीले में काम करना पड़ता है और हैंड ग्लव्स के काम नहीं हो पाता है। तो आज बाहर जाना है और ड्राइविंग करनी है, हैंड ग्लव्स के साथ में ड्राइविंग करनी है। तो ये हैंड ग्लव्स पहन लेती हूँ, ड्राइविंग करना है मुझे आज। तो कहाँ जा रही हूँ वीडियो में बने रहिएगा और वहाँ से आने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। तो ये इंजॉय करिए वीडियो को आप लोग और बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। यहाँ पर आपको ये एरिया देख के पता चल गया होगा कि मैं स्कूल आई थी जी, स्कूल का काम था इसीलिए आई थी। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम रहता है तभी आना पड़ता है स्कूल में भी। तो बस चलते हैं घर पे। और यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं वो गेट जैसा दिख रहा है, तो वो पेड़ और इतना सुंदर लग रहा था तो मैंने कहा कि इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा इसका क्लिपिंग ले लेते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा धुंध जैसा है और कोहरा है और धूप का तो नामो निशान नहीं है, सुबह से नहीं है और दो दिन से पानी गिर रहा है। तो मौसम देखिए आप कैसा हो रहा है, बल्कि धुंध धुंध जैसा दिख रहा है। बहुत बहुत दूर तक आप देखोगे तो धुंध धुंध दिखेगा। और अभी ठंड शुरू हो चुकी है, तो मतलब अब शुरू हुई है अच्छे से ठंड, देखिए कितना कोहरा दिख रहा है। तो बस घर पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से और बने रहिएगा व्लॉग में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर पे और सबसे बड़ी गलती ये करी मैंने कि मैं स्वेटर पहन के नहीं गई थी और आंखें भी इतनी ठंडी हो गई ना, चश्मा लगाना ही भूल गई थी। हैंड ग्लव्स उतार देती हूँ। तो ये हैंड ग्लव्स के साथ में ड्राइविंग का मेरा जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ, रिक्वेस्ट था वो पूरा हुआ है। और बिल्कुल जो नाक है ना वो भी एकदम ठंडी ठंडी हो गई है, तो आँखें ज़्यादा ठंडा और जलन जैसी मच रही है अब। तो बस बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा मौसम हो चुका है। तो हमारे यहाँ दो दिन पानी गिरा है उसके बाद मौसम ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा कोहरा था। अभी मुझे लगता है कि एक दो दिन शायद रहेगा कोहरा और सबसे बढ़िया है। तो बस अब मैं कपड़े धोऊंगी और कपड़े वॉश करना है, उसके बाद मुझे नहाना है क्योंकि मैं नहाई इसीलिए नहीं थी क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ा। तो चलिए चलते हैं, कर लेते हैं काम फटाफट। मौसम है बाहर और
कपड़े वॉश हो रहे हैं तो उनको धुल रहे थे। फेस वॉश नहीं करा है मैंने, फेस वॉश करना है मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ में कुछ जो फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ उसका मैं आपके साथ में थोड़ा सा बात कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने हिमालय का फेस वॉश भी यूज़ करा है और अभी तो वो ख़त्म हो गया है, उसके मैंने क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश भी यूज़ करा है। ये हर एज वाइज बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेरे यहाँ पर भी इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, इसे छोटा वाला पैक भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ और इस बार मैं बड़ा लेके आई थी। वैसे तो क्लीन एंड क्लियर का जो प्रोडक्ट है इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते, बहुत लंबे समय से ये मार्केट में मौजूद है। तो आप इसको ले सकते हो अगर आप की स्किन ऑयली है या ड्राई है, सभी स्किन के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये। तो मेरी स्किन तो मतलब ड्राई है लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो स्किन पे एकदम जैसे वाइट वाइट डॉट बन जाते हैं उस तरह से नहीं बनते हैं। छोटे पैक में भी आता है तो आप इसको ट्रैवल के समय आप बैग में भी कैरी कर सकते हो। रेट के हिसाब से देखा जाए तो रेट भी बहुत ही सही है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, रिजनेबल रेंज में आपको मिल जाते हैं। तो ये तो मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ऑफलाइन लिया है। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको इसमें शायद मुझे लगता है छूट मिलेगी, लेकिन ये ऑफलाइन है तो इसकी रेट मैं बता देती हूँ। ये 150 ग्राम का है और इसका रेट है 165 का है। और पैकिंग की बात करेंगे तो इसकी पैकिंग आप देख रहे हैं, यह ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि आप आर पार देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी इसकी बची है। तो हमको पहले से पता चल जाएगा कि कितना बचा है, कितना ख़त्म हो गया है। स्किन को क्लीन करता है, थोड़े से क्वांटिटी में बहुत सारा झाग आ जाता है, इसको मैं बताती हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटी लूँगी और देखिएगा बहुत ही अच्छा झाग आएगा। तो मैंने फेस वॉश नहीं करा था, इसीलिए नहीं करा था कि मैं आपके साथ इसका शेयर करूँगी। तो देखिए बहुत ही थोड़ा सा लिया है, तो चलिए मैं वॉश कर लेती हूँ फेस। कितना सारा झाग आया है और अब मैं वॉश करके आ जाती हूँ इसको। तो बस मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोग का इसका क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश। तो बस चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर चलते हैं हम किचन में। फल फ्रूट मैंने धो के रखे थे तो सब सामान रख देती हूँ व्यवस्थित में। तो यहाँ पर जो मैंने फल फ्रूट और वेजिटेबल्स धोए थे ना, तो पानी क्या टप 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 करके सब दूर टपक गया है, तो वो फिर क्या पैरों के साथ में चप्पल में लगता है और उसके बाद वो सब दूर फैल जाता है, तो फिर गंदा गंदा हो जाता है, चीठा चीठा सा, तो मतलब फिर पोछा लगा दिखता ही नहीं है। तो मैं इनका इसको पोछ देती हूँ, यहाँ पर ये गिर गया है पानी। और सभी सब्जियों को मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अदरक है ना मेरी, कल नाइट में ही मैंने उसको धो के रखी थी तो वो अभी तक भी है ना उसमें ही पड़ी है, तो मतलब धामे में रखी है तो नीचे क्या पानी उसमें इकट्ठा हो रहा था, मैं सोचा कि उसको भी सुखा दूंगी। तो यहाँ पर जो मतलब हो गया है क्लीन और बच्चे खेल रहे हैं तो इनको तो खेलने देती हूँ। कभी एक एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। और यहाँ पर फ्रूट्स लिए थे तो ऑरेंज लिए, शिमला मिर्च लिए और भी मतलब वेजिटेबल्स लिए थे, तो सबको धो के रख दिए थे मैंने। और ये कबर्ड है ना मेरे से खुल नहीं रहा था, पता नहीं जाने क्या हो गया था इसमें, तो इसको मैं ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी फिर उसे एकदम से खुला वो। और शिमला मिर्च एक तो ही रखी है शायद, सब्जी में ज़्यादा कुछ नहीं रखा था, तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च भी ली थी। ऑरेंज मैंने फ्रिज में रख दिए और अभी नए फिर से वापस ले लिए ऑरेंज, तो मैं इनका इनको फ्रिज में से निकाल देती हूँ क्योंकि सर्दी लगने में देर नहीं लगेगी और ठंडा मौसम भी शुरू हो गया, तो मैं इनका इनको निकाल देती हूँ। तो फ्रिज से बाहर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बच्चे जब कभी भी निकाल मतलब लेके खा सकते हैं। और मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि हाँ ये जामफल है, इनको अमरूद को जामफल बोलते हैं क्या, तो हाँ अमरूद को जामफल भी बोलते हैं, हमारे राजस्थान में अमरूद बोलते हैं और MP में जामफल बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं MP में ही बोलते होंगे शायद इसको अमरूद, लेकिन हम लोग जामफल ही बोलते हैं। और यहाँ देखिए अदरक में से पानी निकला ना, तो इसको मैंने क्या नाइट में धो के रख दी थी और इसी तरह से धामे में रखी रही है, इसको निकालना भूल गई मैं। तो अब इसको मैं पेपर में बिछा देती हूँ ताकि सारा पानी पेपर सोख ले और अदरक थोड़ी ड्राई हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अदरक थी ये, तो मैंने 1/2 kg ले ली थी और अदरक तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है,
तो यहाँ पर ये गोभी भी इतना साफ था ना, एकदम सफ़ेद जग गोभी। कभी कभी तो गोभी इतने अच्छे आते हैं ना कि इनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीधे साफ़ करो और बना लो। लेकिन और कभी कभी इतने बेकार आते हैं ना कि कीड़े कीड़ों से भरा रहता है, मैं तो फेंक देती हूँ, साफ़ भी नहीं करती उसको। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छा गोभी आया था, तो मैंने कहा इसके पीसेस करके साफ़ करके रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ हॉल में, तो किचन का मेरा पूरा काम फिनिश हो चुका है और पूरा नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और यहाँ पर काव्या ने जो थोड़ा बहुत फैलाया था वो काव्या ही फैलाती मेरे यहाँ, तो यहाँ पर मैंने साफ़ करके और मैं ले आई हूँ साड़ी फॉल के लिए और बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने फॉलों को लपेट के रख रखा है, धो के और प्रेस करके लपेट के रख दिया है। तो यहाँ पर ये साड़ी मैंने आप लोग को दिखाई थी और अभी तक इसमें फॉलने लगी है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पहन लेती हूँ फॉल लगा कर। तो बिना फॉल लगाए तो नहीं पहन सकते हैं। और काव्या मेरे पीछे खड़ी, तो मैं बोल रही हूँ उसको आप हटो पीछे से, तो और मुझे तो कम भी बहुत दिखने लग गया है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, साड़ी में फॉल लगाऊंगी, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। कल फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सेफ रहिए।